वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या बताया था कि उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल और तीसरे को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल बता दिया था। आज अब बाकी उसके दो पार्ट जो हैं रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगला इसमें स्टार्ट करते हैं रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल, अगर इसे हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे अपचयन, अर्ध सेल। तो हमें इसके बारे में जानना है। अब इसके नाम से भी लग रहा है कि इस पार्ट में क्या होना है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें भी एक हम रॉड लेंगे, मेटल का ही रॉड, और जिस मेटल का रॉड होगा उसी मेटल का इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे जो मेटल रॉड है हम ले रहे हैं कापर का, और यहाँ पे कापर सल्फेट का हमने सोल्यूशन भी ले लिया। अब यहाँ पर क्या होना है, अपचयन होना है, रिडक्शन होना है। तो रिडक्शन कैसे होगा कि यहाँ पे जो कापर है ये सोल्यूशन में Cu++ के फॉर्म में है और SO4 SO4- के फॉर्म है। तो अगर रिडक्शन होना है तो इसमें Cu++ का Cu में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में जो भी कॉपर है वो सारा कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा इसके मेटल के सरफेस पे। ठीक है, तो ये कॉपर प्लस प्लस यहाँ डिपॉजिट होगा। तो इसका अगर हम रिएक्शन बनाना चाहेंगे तो इसका रिएक्शन बनेगा Cu++, और साथ में इसको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो बन जाएगा कॉपर। तो रिडक्शन हाफ सेल में टोटल ये रिएक्शन होता है कॉपर दो इलेक्ट्रॉन के साथ, कॉपर जो आयंस होता है वो दो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा और कॉपर जो है मेटल पे जाकर डिपॉजिट होने लगेगा। तो टोटल ये प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो कॉपर प्लस प्लस है ये जाके डिपॉजिट हो गया न्यूट्रल होके। अब सोल्यूशन में क्या होगा, इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो सोल्यूशन था इसमें दोनों का अमाउंट सेम था, लेकिन जब ये वाला पार्ट जाके यहाँ डिपॉजिट हो गया तो ये पार्ट जो है सोल्यूशन में बच गया। तो सोल्यूशन में किसका अमाउंट बच गया, SO4- का। अब ये बच गया तो ये जो सोल्यूशन हो जाएगा पूरा, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, जो सोल्यूशन हो जाएगा ऋण आवेशित हो जाएगा, और जो मेटल होगा मेटल हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज और मेटल हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो जितना निगेटिव उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव भी होना है। वापस यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्ज आ गया एक सरफेस पे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और इस पोटेंशियल को क्या बोल देंगे, सेम वही चीज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा और इस पोटेंशियल का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन वाले में, सेम वही चीज़ होता है रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, जो इलेक्ट्रोड होता था वो कैसा होता था, निगेटिव चार्ज होता था, और ये सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होता था। यहाँ रिडक्शन में इसका अपोजिट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, सोल्यूशन निगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन दो अपोजिट चार्ज के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कहेंगे। तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो इस डिफिनीशन, इसमें भी वही चार डिफिनीशन पढ़ना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब दूसरा डिफिनीशन पढ़ना है इसमें कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इसका हिंदी में हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव, इसका हो जाएगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और तीसरा हमें पढ़ना है इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फोर्थ पढ़ना है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम वही चीज़ जो ऑक्सीडेशन में था, सेम वही चीज़ रिडक्शन में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे रिडक्शन वर्ड यूज करेंगे। तब हमें इन चारों का डिफिनीशन जानना है। तो इन चारों के डिफिनीशन में सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि कोई मेटल रॉड को उसी के मेटल के सल्फेट में डिप करते हैं तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके सोल्यूशन में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस अपोजिट चार्ज के डिफरेंस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हो गया। इसके डिफिनीशन में, इसके डिफिनीशन से बस वही सेम करते थे, ऑक्सीडेशन में एक लाइन ऐड करते थे कि ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे कि ये चीज़ जो हो रहा है रिडक्शन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमें डिफिनीशन देना है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफिनीशन ये होगा कि किसी मेटल के रॉड को मेटल के सल्फेट के बिलियन में डिप करेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सोल्यूशन में निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
जिसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा। अब ये पोटेंशियल रिडक्शन के कारण डेवलप हो रहा है, इसलिए इस पोटेंशियल को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो दूसरा डिफिनीसन ये हो गया। तीसरा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहेंगे? सेम यहाँ पर भी, अगर ये जो सोल्यूशन है, इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? सोल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का हिंदी होता है बिलियन, और इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, बिलियन, ठीक है, तो ये बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो सोल्यूशन है, इसका जो कंसंट्रेशन होगा, सांता हो, कितना लेंगे? वन मोलरिटी। तो इसकी ले लेंगे वन मोलरिटी, और वन मोलरिटी ले, इस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब हमें जानना है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही डिफिनीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफिनीशन दे देंगे, और साथ में दो लाइन को ऐड करेंगे। पहला लाइन क्या हो जाएगा? एक रिडक्शन के लिए, और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड के लिए। इन दोनों लाइनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि किसी मेटल रॉड को मेटल के सल्फेट के विलयन में डिप करेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तथा सोल्यूशन में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिसके कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यह पोटेंशियल रिडक्शन के कारण हो रहा है तथा जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 m लिया गया है, 1 मोलरिटी ली गई है, जिसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इस पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों डिफिनीशन इसके हो गए, सेम वही डिफिनीशन जो उसका था वहीं इसका भी है। तो ये जो 8 डिफिनीशन हो रहे हैं, इसके 4 और ऑक्सीडेशन के 4, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछता है क्लास 12th में, उसके अलावा नीट में भी पूछ सकता है, लेकिन क्लास 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपको बता चुके हैं, इससे दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और जाननी है कि इस ये जो रॉड है, इस रॉड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये रॉड पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि Cu++ से Cu बन जा रहा है। तो अगर यहाँ पे जिस रॉड पे या फिर जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। तो इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड, और कैथोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, ये है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और इसको कहेंगे कैथोड कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी चीज़ जाननी थी कि इसको कैथोड कहते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसमें ये चार डिफिनीशंस क्या क्या होते हैं ये जानना था। इसके अलावा अब इस पूरे सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जानना है। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल को बताया गया था कैसे एक लाइन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी तरह इसको भी इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, Cu++ से Cu बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे Cu++ और स्लैश देके Cu, और साथ में इसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे। तो Cu जो है ये कैसा है? सॉलिड है, तो इसको लिख देंगे सॉलिड। तो सॉलिड के लिए सिंपल से S लगा देते हैं ब्रैकेट में, और ये क्या रहेगा? एक्वस रहेगा, AQ, क्योंकि जो भी सॉल्ट रहता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइट देते हैं वो जनरली वाटर में ही डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल, पहला था ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तीसरा पार्ट इसका होता है साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज के बारे में जानना है, तो यहाँ लिखते हैं साल्ट ब्रिज। हिंदी में बोलते हैं इसको लवण सेतु। तो हमें जानना है कि ये क्या होता है। तो अब ये जानना है कि लवण सेतु या साल्ट ब्रिज क्या होता है। तो ये कैसा होता है? यू के आकार का होता है, और कैसा क्या होता है कि ट्यूब होता है। तो एक हम यहाँ ट्यूब बनाएंगे जो यू के आकार का होगा, लेकिन कैसा होगा? ये इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो ये हो गया यू ट्यूब, इसको बोल देते हैं यू ट्यूब, ठीक है। वाई ओ यू वाला नहीं, यू वाला यू, ठीक है, यू ट्यूब हो गया। अब इसके अंदर हम क्या भरते हैं? अगार अगार। अगार अगार एक एल्गी आता है जिसको इसके अंदर भरते हैं, और साथ में इसमें मिलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, NaCl मिला सकते हैं, या फिर KCl मिला सकते हैं, या फिर KNO3 मिला सकते हैं, या क्या मिला सकते हैं? NaNO3, और इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो
स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जनरली, और जो प्लस आयन निगेटिव आयन देते हों, पॉजिटिव निगेटिव आयन दे रहे हों, उसी को मिलाएंगे। तो इसमें से कोई भी एक लेके मिला देते हैं, मान लेते हैं ये वाला लेके इसको मिला दिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अगार अगार भरा हुआ है, और साथ में भरा हुआ है NaCl, ठीक है। अब साथ में क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं कॉटन रुई, ठीक है, यहाँ लगाते हैं रुई, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ देते हैं दोनों, जो हाफ सेल था, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा था रिडक्शन हाफ सेल से, उन दोनों को इससे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं एक पहला सेल और इधर की तरफ बनाते हैं दूसरा सेल, तो ये वाला जो बनाएंगे ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, और इधर वाला जो होगा रिडक्शन हाफ सेल होगा। ऑक्सीडेशन को हमेशा इधर की तरफ ही रखेंगे और रिडक्शन वाले को इधर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा लिए थे, ये वाला लिए थे जो ऑक्सीडेशन में लिए थे, ZN का लिए थे, और सोलूशन था ZnSO4। यहाँ पे लिए थे हम कापर को और सोलूशन था CuSO4। ये था रुई, कॉटन, ठीक है। अब इसमें एक काम और करते हैं, पहले तो इसको सोलूशन भी बना दें, इसमें सोलूशन, ये जो ट्यूब रहेगा सोलूशन के अंदर तक डिप रहेगा, ट्यूब का जो हेड रहेगा वो भी क्या रहेगा, सोलूशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब इस दोनों रॉड को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, किस तरीके से, वायर के थ्रू, ये हो गया वायर से इन दोनों को जोड़ दिया गया। अब ये पूरा प्रोसेस करने पे ये पूरा जब बन के आया, इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब पूरे प्रोसेस में हमें एक साथ पढ़ना है कि पूरा जो है इस सेल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, इंडिविजुअल एक एक के बारे में बताया था क्या हो रहा था, अब इसके इसका इसका तीनों का एक साथ बताते हैं कि क्या क्या इसका वर्क है। तो सबसे पहले जो ये था ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, इसमें क्या होता, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, ZN से बन रहा था ZN++, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ रहे थे, इस पे आ रहे थे, और इसके सोलूशन में पॉजिटिव चार्ज बन गया था, ठीक है। अब जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर से इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो कापर प्लस प्लस है, जो Cu++ है, वहीं ये दो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गए। इसको वापस रेड से बना देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कापर मेटल बना देते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ये बना लिए, ठीक है। तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन और यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यही दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब इस वाले जो रॉड है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इस रॉड को बोलते थे एनोड, ठीक है, इसका नाम था एनोड, और साथ में ये था निगेटिव प्लेट था, निगेटिव प्लेट बोल सकते हैं या निगेटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं कैथोड, और ये कैसा था, पॉजिटिव प्लेट था। दोनों का रिएक्शन बन गया, और तीसरा था ये साल्ट ब्रिज। तो अब साल्ट ब्रिज का क्या काम है ये बताना है हमें, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम क्या होता है कि इन दोनों सेल को जोड़ता है ये, ठीक है, कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कनेक्ट क्यों करता है, क्योंकि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हो रहा है, ठीक है, किसी में भी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फिर करेंट का फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या चाहिए कि पूरा अगर सर्किट कंप्लीट है तभी वो फ्लो होगा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। जैसे कि अगर एक वायर है, वायर का अगर बीच से काट दिया जाए तो इधर से इधर करंट पास नहीं करेगा, लेकिन वायर पूरा कंप्लीट है तो इसमें क्या करेगा, करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम इसका होता है कि ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। अब कैसे कंप्लीट किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो किया, इधर की तरफ गया और जाके इधर आया, यहाँ से फिर से ये इसमें के थ्रू होता हुआ इधर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये पूरा ये सर्किट है एक है जो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना। तो दूसरा काम इसका होता है कि इन दोनों सोलूशन को, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सोलूशन है, इसको क्या करने काम होता है, इसको न्यूट्रल करने काम होता है। न्यूट्रल कैसे करता है कि जब इस वाले में क्या हो रहा है, ZN से ZN++ बना, तो यहाँ पर जब ZN से ZN++ बना तो इस सोलूशन में जो प्लस प्लस आयन है इसका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अमाउंट इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है,
तो ZN से ZN++ बनने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं इसको, कि ZN से ZN++ बन रहा है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी प्रोसेस जो है रुकता जाएगा। ठीक है, क्यों रुकेगा, क्योंकि इस पूरे सोल्यूशन में इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ से यहाँ बनेगा नहीं, इसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे टास्क क्या है कि इसको ZN++ को यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, इस सोल्यूशन से अगर रिमूव होता जाएगा तो यहाँ से ये वाला प्रोसेस होता जाएगा। तो रिमूव करने के लिए ही इसका दूसरा काम होता है ये अगर, और इसमें क्या भर देते हैं, NaCl भरते हैं। तो NaCl में यहाँ पे इस सोल्यूशन में क्या ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या चाहिए, निगेटिव आयन चाहिए। तो NaCl का जो निगेटिव पोर्सन होता है वो क्या होता है, Cl-, वो मूव करता है इधर से इधर की तरफ और यहाँ से पास करके इधर जाता है, और ये Cl- ZN के साथ रिएक्ट करता है और ZN रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ZnCl2। ठीक है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से ZN++ के आयन भी कम होते जाएंगे और कम होने से ये प्रोसेस इसका कंटिन्यू होता रहेगा। सेम वही प्रोसेस इधर की तरफ होता है, यहाँ पे क्या है कि Cu++ जो है Cu में चेंज हो गया, तो इस सोल्यूशन में क्या बच जाता है, SO4- बच जाते हैं। तो इसको चाहिए पॉजिटिव, तो इसी NaCl का जो पॉजिटिव पार्ट है Na+ सोडियम प्लस आयन, वो मूव करता है इधर की तरफ और यहाँ से पास करके इसके साथ कंबाइन करके बना लेता है Na2SO4। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो निगेटिव आयन्स है वो धीरे धीरे सोल्यूशन से कम होता जाएगा। तो दूसरा काम था इसका कि दोनों जो सोल्यूशन है इसको क्या करना, न्यूट्रल करना, उदासीन करना, उदासीन करने का काम करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पर रुई ही क्यों लगाया गया है, रुई लगाया गया, रुई क्यों लगाया गया है। ठीक है, तो रुई इसे लगाया गया है, इसमें दो चीज़ें, एक तो रुई क्यों लगाया गया है और दूसरा जो है अगार अगार का एल्गी होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और इस बहुत गाढ़ा होता है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है बहुत क्या होती है, हाई होती है। तो इसमें फ्लो की जो टेंडेंसी है वो कम होती है, तो फ्लो की टेंडेंसी कम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करता है ये। ठीक है, अगर इसमें अगर पानी भर देंगे तो पानी क्या होगा, इधर से फ्लो कर जाएगा तो इसमें से ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया तो ये कनेक्ट ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या करते हैं, अगर अगर भरते हैं जो आसानी से इसमें से इसमें फ्लो नहीं करता है। रुई भी इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से इसके फ्लो को रोक दे और साथ में क्या करे, जो इसके आयन से उसको लेकिन पास करे। तो रुई का काम क्या होता है कि अगर अगर जो सोल्यूशन है उसको रोकता है ट्यूब में ही और साथ में क्या करता है, जो इसके आयन्स हैं उसको पास करता है, तो इसलिए यहाँ पर रुई लगाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें इसके क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है और इसका क्या फंक्शन, तीनों का फंक्शन मैंने बता दिया। अब अगर इस पूरे सेल को अगर रिप्रेजेंट करना हो एक लाइन में, इक्वेशन में, तो कैसे करते हैं तो बता देते हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो ऐसे करते हैं, ZN और ये सॉलिड में होता है तो सॉलिड और स्लैश करके लगाते हैं ZN++ और यहाँ लिख देते हैं एक्वस, ये पहले ही बता चुके हैं। उसी तरह इसको रिप्रेजेंट करना होता है वो भी बता चुके कैसे करते हैं, लेकिन इसके बाद ये आया हुआ है सॉल्ट ब्रिज आया हुआ है, तो अब हमें इसके बाद सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज ही इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो बीच में सॉल्ट ब्रिज का बनाएंगे और सॉल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो Cu++ से Cu बना, तो यहाँ लिख देंगे Cu++ और ये हो गया वापस एक्वस और स्लैश Cu। ठीक है, तो ZN ये सॉलिड, इसको भी लिख देंगे सॉलिड में, तो ZN सॉलिड हो गया, स्लैश करके ZN++ फिर डबल स्लैश Cu++ ये एक्वस में फिर स्लैश करके Cu हो गया, तो ये पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस सेल में ये वाला जो पोर्शन, जो पहले पोर्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को और बाद वाला पोर्शन रिडक्शन को, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है एनोड, तो ये वाला हमेशा एनोड को रिप्रेजेंट करता है, ये कैथोड को करता है, और ये इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज का हम बी लेते हैं बी, तो इस पूरे को शॉर्टकट में बोल सकते हैं ABC। तो ये वाला पोर्शन होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। ठीक है, तो इसको ABC से भी डिनोट करते हैं, इस सबका यूज होगा आगे। अब एक फार्मूला और इसमें याद रखना है, और फार्मूला होता है LOAN, ये फार्मूला आगे भी काम आएगा और इस फिगर में भी काम आएगा। तो इस फिगर में इस फार्मूला का क्या यूज है, इस फार्मूला का यूज है जो L का मतलब होता है ये होता है लेफ्ट, O मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A मतलब होता है एनोड और N मतलब होता है निगेटिव।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये फार्मूला याद करना है लोन का, तो इसमें ये वाला जो पर्सन है वो है लेफ्ट साइड में, ठीक है, और इसी में हो रहा है ऑक्सीडेशन, यही है एनोड और इसका प्लेट जो है नेगेटिव है, तो यही चीज़ बताता है कि जो लेफ्ट साइड में है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, और उसमें जो उसका प्लेट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव प्लेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये फार्मूला याद भी रखेंगे, साथ में ABC भी याद रखेंगे इस फार्मूले का, और इस फार्मूले का यूज आगे न्यूमेरिकल में भी होना है, ठीक है। तो ये टोटल था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।